जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामने शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यानी एक्स माइनस ए से अगर हम इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए मेथड आपको मालूम है कि पॉलीनोमियल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और यह पॉलीनोमियल एक्स के फॉर्म में है तो इसको हम पी एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखें, एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है तो एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है तो इसको जीरो के इक्वल कर देंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए आएगा। और अब जानते हैं क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए हम इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। जब इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो फिर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो चलिए एक्स इक्वल टू ए अब लिख देंगे हम पुटिंग एक्स इक्वल टू ए इन पॉलिनोमियल। तो चलें देखते हैं, ये हो जाएगा पी एक्स के जगह पे हम ए रख रहे हैं और फिर ये हो जाएगा आपका एक्स के जगह पर ए, तो ए क्यूब हो जाएगा माइनस ए इंटू फिर एक्स के जगह पे ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 इंटू ए माइनस हो जाएगा ए। फिर देखिए ये क्या होगा, ये है आपका ए क्यूब और माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा और प्लस ये हो गया। अब देखिए 6a माइनस ए हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5a। तो अब ये हो गया पी ए इक्वल टू ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया पी ए इक्वल टू 5a। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वही रिमाइंडर होती है, तो हम लिख देंगे हैंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 5a। आपसे रिमाइंडर ही पूछा जा रहा था, रिमाइंडर 5a होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, यानी हमको यह चेक करना है कि 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो जानते हैं क्या होगा, अगर फैक्टर होगा ना तो इसको हम जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू इसमें रख देंगे। रखने के बाद अगर सॉल्व करने पर ये जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और अगर जीरो नहीं आता है तो हम कह देंगे 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x³ + 7x। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि 7 + 3x को पहले जीरो के इक्वल करेंगे और फिर यहाँ से 3x की वैल्यू हम फाइंड करें तो -7 हो जाएगा और फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें -7/3 हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम px से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पर x की वैल्यू हम रखते हैं। तो चलिए x की वैल्यू रखते हैं p और ये हो जाएगा -7/3 इक्वल टू हो गया 3
और फिर माइनस ये हो जाएगा आपका 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस हो गया 7/3। तो अब जो है देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो ये 3 हो जाएगा और माइनस का क्यूब करेंगे तो ये तो माइनस ही रहेगा। अब 7 का क्यूब कीजिए, 7 × 7 × 7 343, ये हो जाएगा 343। और फिर ये हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब यानी 3 × 3 × 3 हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, और फिर ये हो जाएगा आपका 3। अब देखते हैं यहाँ पर हम 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो ये मिलेगा आपका −343, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 49/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 9 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 9, और ये हो जाएगा −343, और फिर 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, और 3 का 49 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 147 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, तो ये हो जाएगा आपका दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4, −480/9 हो रहा है। तो अब जो है देखते हैं इसको सॉल्व हो सकता है, तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है ये माइनस ये जो है देख लीजिए थोड़ा सा, ये 3 और 7 = 10 हो जाएगा, 0 carry 1 होगा, तो फिर 4 और 4 = 8 और 1 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और फिर नीचे हो जाएगा 9। तो अब जो है ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है, px is not equal to 0। अगर ये 0 के इक्वल होता तो फैक्टर होता, 0 के इक्वल नहीं है इसलिए ये फैक्टर नहीं होगा। तो अब लास्ट में लिख दिया जाएगा hence 7 + 3x equal to 0 is not a factor of polynomial, और polynomial है 3x³ + 7x, यानी ये फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 2.3 था, एक्सरसाइज 2.3 के हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, इसके साथ साथ आज ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज भी समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो बनाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामन शूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सके। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तथा उसको ऑल पे कर दीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।